तो क्या हाल है, कैसे हो आप? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। BGMI का नया अपडेट 3.2 इसके पैच नोट्स फाइनली आ गए हैं। पैच नोट्स के अंदर बहुत सारी डिटेल्स बता दी हैं गेम के बारे में, इन सब के नाम दिख रहे हैं इधर। तो आ जाओ फिर फटाक से शुरू कर देते हैं आज का वीडियो, इस सारी डिटेल्स चेकआउट करते हैं। सबसे पहले ये जो स्पेसशिप दिखती है हमें मैप के ऊपर, नए मेगा फ्यूजन मोड में, इसका नाम स्टील आर्क है। अपडेट 3.2 के अंदर स्पेसशिप है, रोबोट है, एलियन जैसे वेपन है। मेगा फ्यूजन मोड के अंदर यहाँ पे 3 मैप के अंदर अपडेट आया है। फिर आगे ये दोनों एरिया, एक स्टील आर्क है, एक असेंबली बेस एरिया है। स्पेसशिप के अंदर लेवल 3 लूट होती है, नए फीचर्स होते हैं, चॉपर खड़े होते हैं यहाँ पे, बहुत सारे रूम्स हैं, चेंबर्स हैं सीक्रेट लूट वाले। और अब ये रहा असेंबली एरिया वाला बेस, यहाँ पे रोबोटिक आर्म्स भी होती हैं। इसके बाद क्या बताया इन्होंने, बड़े साइज के यहाँ नेड और स्मोक दिख रहे होते हैं। एक्स्ट्रा रिपेयर स्टेशन फीचर है यहाँ पे, एक्सेस कार्ड है सीक्रेट रूम के। फिर तो रिपेयर स्टेशन कैसे काम कर रहा है ये देखने के लिए रोबोट को थोड़ा डैमेज देना पड़ेगा, इसे डैमेज करके रिपेयर करके देखते हैं। तो यहाँ में जैसे ही रोबोट को रिपेयर करने लाया तो रिपेयर का वैसे ही ऑप्शन आ रहा है जैसा गाड़ी में तेल भरने का आता है रिफ्यूल वाला। और यहाँ पे इसका भी थोड़ा तेल कम हो चुका है और हेल्थ तो काफी डैमेज है, अब रिपेयर करके देखते हैं। क्या बात है, इस मोड में तो ये रोबोट रिपेयर हो रहे हैं और इनका तेल भी भर रहा है। हर बार कोई ऐसा नया आइटम आता है उसका तेल खत्म हो जाता है और उसके बाद वो खड़ा रहता है, पर यहाँ पे ये बढ़िया दे दिया इन्होंने कि तेल भी भर जाएगा और रिपेयर भी हो जाएगा। फिर इसके बाद पैच नोट्स में बताया है मैग्नेट गन के बारे में, मैग्नेटिक स्किल है इसका, पिस्टल के स्लॉट में लगती है, ये पावरफुल होती है काफी। मेगा फ्यूजन मोड में लेविटेट कर देती है बंदों को, मतलब हवा में उठा देती है, व्हीकल, रोबोट, प्लेयर, यहाँ तक के ड्रॉप्स भी उड़ जाते हैं। फिर नेक्स्ट फीचर पैच नोट्स में जेट पैक है, इससे प्लेयर्स हवा में उड़ सकते हैं, फुली कंट्रोल हो सकता है, नया आइटम ऐड किया है। आगे है पर्सनल AED, मतलब सेल्फ रिवाइव किट, न्यू आइटम है जो कि सेल्फ रिवाइव के लिए यूज होता है। पोटेंशियल ये है कि मतलब अच्छा तो शायद ये परमानेंट हो सकती है। फिर आगे है पैच नोट्स में मेका स्ट्राइडर, तो मेका फ्यूजन मोड का मेका स्ट्राइडर है जो दो पैरों वाला हिस्सा है, यहाँ पे दो सीट वाला होता है बड़े रोबोट का पैरों वाला हिस्सा, इसका नाम मेका स्ट्राइडर है और ये रॉकेट लॉन्चर सिस्टम लगा होता है इसमें। वैसे अगर आप डेली बी तो ये जो हाथों वाला लेविट्रॉन है इसके अंदर तो रॉकेट लॉन्चर होते नहीं है, इसके अंदर स्पेशल गन होती है मैग्नेट वाली जो इसके हाथों में होती है। लेकिन हम जैसे ही इन दो हिस्सों को एक दूसरे के पास ले गए थे तो ये अटैच हो गए थे और दोनों जुड़ के एक बड़ा 4-सीटर रोबोट बन गया और इसका नाम है आर्मा मैक, मेका आर्मा मैक। तो इस बड़े रोबोट को आर्मा मैक कह रहे हैं, तो स्ट्राइडर, लेविट्रॉन और आर्मा मैक, इतने भारी भरकम नाम रखे इन चीजों के। फिर इसके आगे ये बताया गया जो स्टील आर्क स्पेसशिप एरिया है इसमें भी समन कर सकते हैं, दूसरे वाले में भी कर सकते हैं। रिपेयर स्टेशन के अंदर रिपेयर कैसे करना है ये दोबारा से बता रखा है यहाँ पे। अच्छा, तो स्टील आर्क में भी कोई रिपेयर स्टेशन होता है इसका? अब ये हुई ना कोई बात, मतलब मल्टीपल रिपेयर स्टेशन है, जहाँ फट जाए, जहाँ हेल्थ लो हो जाए, वहीं जाके फटाक से रिपेयर कर लो, ये तो सही है। क्योंकि देखो वो जो रोबोटिक आर्म वाला असेंबली एरिया में रिपेयर स्टेशन है, ये रिपेयर स्टेशन उससे अलग है क्योंकि इसकी फोटो वैसी नहीं लग रही है, इसमें कुछ और ही दिखा रखा है। इसमें तो ये स्टील आर्क स्पेसशिप का कोई एरिया दिखाया है। फिर BGMI 3.2 अपडेट के पैच नोट्स में आगे बढ़ते हैं तो रिस्पॉन फ्लेयर गन की बात कर रहे हैं जो हम चेकआउट कर चुके हैं। इसके अलावा एक नया फीचर क्विक पैराशूट की बात कर रहे हैं जो कि जंप करने पे यूज होता है। फिर एक और नया फीचर व्हीकल ब्लास्ट डीले की बात कर रहे हैं इधर। लेकिन यहाँ स्पेशल पैच नोट्स में एक इंटरेस्टिंग अपडेट दी इन्होंने, A7 रॉयल पास लीक्स की है, ये 100 RP आउटफिट लग रहा है और इसके साथ अपग्रेडेबल बाजन की स्किन कुछ ऐसी दिख रही है। फिर अपडेट्स में आगे तो अपग्रेडेबल स्किन से P90 जो अब ओवर पावर्ड हो चुकी है उसकी यहाँ पे अपग्रेडेबल स्किन दिख रही है, एक नई M416 दिख रही है, एक चॉपर की स्किन भी दिख रही है क्योंकि चॉपर तो अब यूज होने वाला ना इस नए अपडेट में। सो इस नई अपग्रेडेबल M416 के बारे में कमाल की चीज देख रहे हो, कि ग्लेशियर जैसी दिख रही है कुछ कुछ, क्योंकि कोई गन ग्लेशियर जैसी अगर दिखती नहीं तो फिर वो गेम में चलती भी नहीं। पर इसमें स्पेशल विजुअल इफेक्ट है जो कि नॉर्मल ग्लेशियर में तो नहीं होता, इसके अंदर है। और क्योंकि इंस्पेक्ट रिमोट अब हर अपग्रेडेबल गन में आ रहा है तो P90 का भी दे दिया है। वैसे एक चीज नोटिस करी आपने कि अब ग्रोजा को रिप्लेस कर दिया है P90 ने, मतलब एक वक्त था जब UMP बफ नहीं हुई थी और ग्रोजा क्लोज रेंज में बहुत डेडली हुआ करती थी, पर अब तो क्लोज रेंज की बेस्ट गन P90 बन चुकी है जो कि ड्रॉप वेपन भी हो गई है। तो इसके आगे ये नई लॉबी दिख रही है यहाँ पे, बैकग्राउंड एनिमेशन है यहाँ पे, आर्मा मैक जो रोबोट है उसका पीछे से जंप करता है वो। फिर एक और फ्यूचर से इंस्पायर्ड बैकग्राउंड लॉबी थीम दिख रही है जो कि P90 की गन स्किन से मैच हो रही है, तो क्या पता उसी की ओपनिंग में आ जाए ये भी। और अब इसके आगे तीसरी बैकग्राउंड लॉबी थीम तो मुझे पॉपुलैरिटी सेक्शन जैसी लग रही है क्योंकि इतनी तड़कती भड़कती थीम वही देते हैं ये। तो 3.2 अपडेट की एक और हाईलाइट है ये ओल्ड मम्मी इमोट जो कि मम्मी M416 के साथ ही ऐड होना चाहिए। और 3.2 अपडेट की सबसे हाइप बनाने वाली हाईलाइट के एक एडजस्टेबल फ्रेम रेट सिस्टम के अल्ट्रा एक्सट्रीम में ऐसा नहीं है कि 120 पे लॉक हो जाएगा, बल्कि यहाँ तो फ्रेम्स भी खुद से डिसाइड करके सेट कर सकते हो। सो 3.2 अपडेट के पैच नोट सारे चेकआउट करने के बाद इसका ओवरऑल रिव्यू मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि वैसे तो अभी जो मोड चल रहा है स्काई हाई स्पेक्टिकल ये काफी इंटरेस्टिंग है, पर मेरे हिसाब से नया मोड और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है।
सकता है। और ऐसा इसलिए कि इसके अंदर काफी ज्यादा सिचुएशंस फाइट की ऐसी बन सकती हैं जो कि काफी यूनिक रहेंगी, जैसे कि दो रोबोट्स आपस में पंच फाइट करेंगे, मतलब लिटरली एक बॉक्सिंग मैच हो जाएगा वो तो बीजीएमआई के अंदर। और जो नया जेट पैक आया है इसके अलग अलग तरह के स्पीड रन कर सकते हैं, फिर जहां से मर्जी पैराशूट खोल के जंप कर सकते हैं मैच के बीच में, क्योंकि क्विक पैराशूट से पैराशूट कभी भी कहीं भी खोल सकते हो, समझ रहे हो। और जो ग्रीन फ्लेयर गन है उसकी वजह से तो बार बार रिकॉल टावर में भागने की जरूरत ही नहीं है। मान लो अपार्टमेंट में फाइट ले रहे हो तो अपने पूरे स्क्वाड को एक साथ वहीं खड़े खड़े रिकॉल कर दोगे। तो ये तो बहुत थोड़े से एग्जांपल थे, ऐसी बहुत सारी नई इंटरेस्टिंग चीजें जो कि अभी तक गेम में कभी नहीं कर पाए लेकिन इस अपडेट में कर पाएंगे। ओके, सो अभी जो एग्जिस्टिंग अपडेट चल रहा है इसमें नया अल्टीमेट सेट भी तो रिलीज होने वाला है भाई गेम के अंदर। जैसे कि नई अपग्रेडेबल M762 आ रही है, इसका जो अल्टीमेट सेट है इसका इमोट बहुत जबरदस्त है। तो ये देखो, ये तो रहा इसका एलिमिनेशन ब्रॉडकास्ट जो कि काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, और ये इसका पर्पल कलर का हिट इफेक्ट था। फिर इसकी फाइनल फॉर्म वाली लूट क्रेट कुछ इस तरह की दिख रही है, और नई M762 अपग्रेडेबल गन स्किन ऐसी दिख रही है, ल्यूमिनस मूव। फिर इसके आगे मैंने चेक किया इसका अल्टीमेट सेट वाला इमोट किस तरह का है, तो कुछ इस तरह का मिथिक इमोट है इसका अल्टीमेट सेट वाला। लेकिन जो एडिशनल इमोट आता है एक्स्ट्रा मिथिक इमोट ओपनिंग में, वो कुछ ऐसा दिख रहा है इसका, ये इसकी लूट क्रेट से इंस्पायर्ड लग रहा है, मुझे हाथों में डायमंड पकड़ लेता है कैरेक्टर। ओके, सो अब बात कर लेते हैं अपडेट 3.2 के पैच नोट्स में दिए गए कुछ अपकमिंग फीचर्स के बारे में, जो कि अभी तो गेम के अंदर ऐड नहीं हुए लेकिन नेक्स्ट अपडेट में ऐड होने वाले। और ये पॉसिबल अपकमिंग फीचर्स हो सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा रिपेयर स्टेशंस और एक एक्स्ट्रा रोबोट समन एरिया। मतलब अभी पैच नोट्स में हमने देखा कि ये एरिया स्टील आर्क है, और स्टील आर्क एरिया में अभी तो अपडेट में कुछ ऐड नहीं हुआ है, यहाँ पर कुछ भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, पर पॉसिबली यहाँ पर आने वाले अपडेट्स के अंदर कुछ नया दिखे। जैसे कि देखो, फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पर यहाँ पर सबसे ऊपर एक एरिया है जहाँ पर काफी मशीन्स लगी हुई हैं और स्क्रीन्स भी हैं, पर यहाँ पर अभी कुछ और काम नहीं कर रहा। तो ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपकमिंग फीचर्स हमें दिख सकते हैं आने वाले अपडेट्स के अंदर। तो उनके साथ बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू ऑल।